आदित्यपुर में रहकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को दो सत्र की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। विद्यार्थियों का कहना है कि ई पोर्टल पर दोनों सत्र की राशि स्वीकृत बताई जा रही है, लेकिन राशि खाते में नहीं डाली गई है। इसको लेकर विद्यार्थी टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने पर फोन कर रहे हैं तो महिला हेल्पलाइन का नंबर पता चल रहा है। इस मामले को लेकर छात्र बीजेपी नेता रमेश हांसदा से मिले। रमेश हांसदा ने सरकार से समस्या के निदान करने की अपील की है। मैंने अप्लाई किया तो अप्लाई तो हो गया, फाइनल अप्रूव भी हो गया, लेकिन जो पैसा अमाउंट जो आना था वो अभी तक आया नहीं है। और जो नया भी फिर से रिन्यूअल हम लोग को अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर दिए, लेकिन अभी तक भी हम लोग को नहीं आया। और जो साइट में दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर एक कल्याण का हेल्पलाइन, उसमें भी कॉल नहीं लगता है और सिर्फ ट्राइंग टू रीच कर हमेशा करते रहता है। ईमेल भी मैंने कल भी मेल किया, आज भी मेल किया, दोनों का कोई मेल का रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2018 से 2021 का जितना सेशन है, पहला सेशन 2018 से 2019 पहला सेशन का मेरा बैचमेंट का कुछ पैसा फंसा हुआ है और 2019 से 2020 का पैसा पैसा मेरा फंसा है। कॉन्टैक्ट नंबर कॉल लगता नहीं है, हमेशा वेटिंग में बोलते रहता है काफ़ी टाइम, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा बाद भी कॉल नहीं लगता उसमें। और दूसरी बात कि जो 181 में जो कॉन्टैक्ट नंबर था जनसंवाद केंद्र, उसमें भी कॉल अब तो ओमेंस हमने कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ वो ओमेंस का ही बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी किसी का एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये मामला बहुत ही गंभीर है और सौभाग्य से ये इसी क्षेत्र के छात्रों का है और इसी क्षेत्र में कल्याण मंत्री जी निवास करते हैं आदरणीय चंपाई सोरेन जी। तो मैं आपके मार्फत से इस बात को रखना चाहूँगा कि माननीय कल्याण मंत्री जी को अविलंब इस मामले पर संज्ञान लेकर के इन बच्चों का हल कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से पैसा फंसा है और पैसे का रोना बार बार राज्य सरकार कर रही है, लेकिन इन बच्चों का पैसा रोक करके